एडवांस सोनोग्राफी यानी कलर डॉपलर, कलर डॉपलर में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी ब्लड वेसल में फ्लो कितना है, है तो कम हुआ है या ब्लॉक हुआ है. देन वी हैव इलास्टोग्राफी. इलास्टोग्राफी मेनली तीन चीजों के लिए करते हैं, ब्रेस्ट, थायराइड और लिवर. ये इलास्टोग्राफी में हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी टिश्यू में कितना फाइब्रोसिस है, और वो फाइब्रोसिस की वैल्यू हमें बताती है कि या तो ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस रीजन है. तो ये हुई हमारी वन ऑफ द एडवांस सोनोग्राफी. देन वी कम टू थर्ड एडवांस सोनोग्राफी, दैट इज थ्री डायमेंशनल या फोर डायमेंशनल एंटीनेटल सोनोग्राफी, जिसमें हम लोग बच्चे की फोटोज 3D या 4D में पेशेंट्स को दिखाते हैं. सो आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग यू द कलर डॉपलर पार्ट. तो हम देखेंगे कलर डॉपलर कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये सारी लिवर की ब्लड वेसल हैं. जैसे हम लोग देख सकते हैं सभी ब्लड वेसल्स में रेड और ब्लू फ्लो है. अब हम लोग इसे ग्राफ के द्वारा ये देखते हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी है. सो बेसिकली दिस वर्क्स ऑन डॉपलर प्रिंसिपल एंड इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फ्लो एंड वेदर प्रेजेंट और नॉट. तो जब भी आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं कुछ भी मोडालिटी कराने, तो बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए ताकि सब कुछ प्रोसीजर इजी हो जाए. जब भी आप सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट, पेट की सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो सिक्स आवर फास्टिंग का मतलब ये है आप पानी, चाय, कॉफी, क्लियर फ्लूइड्स ले सकते हैं, बट सॉलिड फैटी फूड ना ले. जब भी यूरिनरी ब्लैडर की सोनोग्राफी के लिए आते हैं तो 1 से 2 घंटा पेशाब रोक के आए. कई बार प्रोस्टेट की सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आपको फुल ब्लैडर रोकना है, तो आपकी मैक्सिमम ब्लैडर कैपेसिटी तक पेशाब रोके तो अच्छा है.